खास मुलाकात में हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं बाड़मेर जिला भाजपा उपाध्यक्ष एवं शिव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से विधायक पद की दावेदारी करने वाले खंगार सिंह सोडा से। सोडा पिछले काफी समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। सामाजिक क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनसे बात की हमारे संवाददाता रमेश गोदारा ने, सुनाते हैं आपको क्या कुछ खास बातचीत हुई। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आप सब समाचार एक्सप्रेस के दर्शकों से रूबरू कराना चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत से जो गैर राजनीतिक रूप से भी अपना अलग वजूद रखता हो। राजनीति में हर नेता अपना वजूद रखता है पर सामाजिक स्तर से अपना अलग वजूद रखता हो और वर्तमान में एमएलए पद की दावेदारी कर रहा हो। काफी सालों से अपने पार्टी के लिए और समाज के लोगों के लिए भी सक्रिय रहने वाले कुमार सिंह जी सोडा हमारे साथ है। कुमार सिंह जी, पहले तो हमारे न्यूज समाचार एक्सप्रेस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। कुमार सिंह जी, लगातार चर्चा चल रही है कि आप विधायक की दावेदारी कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की शिव विधानसभा क्षेत्र के। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दावेदारी की है मैंने शिव विधानसभा क्षेत्र से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अब के बाद मुझे मौका देगी। मैं पिछले 22 साल से क्लियरली भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर भी मैं रहा हूं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष पिछले 10 साल से हूं। जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन में अच्छी तरह से मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। इसलिए मुझे जो है पूर्ण विश्वास है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी। लगातार चर्चाएं आपके नाम की चल रही है, एक दो नाम और चल रहे हैं, पर आप बता रहे हो कि आपको विश्वास है पूर्ण, पर क्षेत्र में जो एमएलए पुराने एमएलए नहीं कर पाए और आपका सबसे एमएलए बनने के बाद आपके मन में आज ये चीज है कि मुझे पहले से वो काम करना है अपने क्षेत्र में शिव विधानसभा के लिए। मेरा सबसे पहले तो ये रहेगा कि जो हमारे क्षेत्र के अंदर जातिवाद का जहर है इसको मैं पहले सर्वप्रथम मैं इसको खत्म करूंगा। सर्व समाज को, सब समाजों को एक जाजम पे बिठा करके, एक ही जाजम के ऊपर बिठा के न्याय करूंगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मेरा प्रथम जो काम है वो यही रहेगा कि जातिवाद के जहर को खत्म करना और विकास के कामों में जैसे स्वास्थ्य के ऊपर और बालिका शिक्षा के ऊपर मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा। बालिका शिक्षा और जिसमें ग्रामीण एरियो में आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है, पानी की समस्या को लेकर आपने आपका विचार क्या है फिलहाल, वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है पानी को लेकर? पानी को लेकर के जैसे पंचायत समिति शिव या यूं कहें तहसील शिव के अंदर तो खूब सारा बजट आ गया है और टेंडर भी हो गया और काम भी 80% करीबन पूरा हो चुका है। जो ये नहर वाला पानी है ये प्रत्येक राजस्व गांव तक होदियां बन गई है और लाइन बिछ चुकी है, तो ये 2 महीने के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पानी की ये जो अपना शिव का एरिया है, मंडल शिव का कहें या अपने पंचायत समिति शिव का कहें, यहाँ तो कंप्लीट हो जाएगा। पोर्टल एरिया के ऊपर गटरा साइड में और रसाणी साइड में कुछ पानी की समस्या है, उसके लिए जो भी मूलभूत सुविधा के लिए वहाँ तत्कालीन क्या करना चाहिए वो वहाँ मौके पे जा करके मैं जो है पानी की समस्या का सर्वप्रथम जो है जल्दी से जल्दी निदान करूंगा और उस समस्या का समाधान करूंगा। आप सामाजिक क्षेत्र में जिसमें गरीबों की मदद है और सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा के बारे में लगातार डोनेशन देते ही रहते हैं, क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य ये है कि आम जो अंतिम छोर पे बैठा है व्यक्ति और गरीब आदमी है उसको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, और गरीब आदमी को मैं दुविधा में देखता हूँ तो मेरा हृदय जो है विचलित होता है। इसलिए मेरे आत्मा में ये रहता है 24 घंटे कि गरीब की ज्यादा से ज्यादा मैं गरीब को गणेश मान करके चलता हूँ और गरीब इंसान की ज्यादा से ज्यादा कैसे मैं सेवा कर पाऊँ, ये मेरे हृदय के अंदर है या मेरे दिमाग में जुनून सवार रहता है हर टाइम। बिल्कुल, तो ये थे कुमार सिंह जी सोडा जो भारतीय जनता पार्टी का शिव विधानसभा क्षेत्र से एमएलए पद की दावेदारी कर रहे हैं।